दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि समीकरण की को हल कैसे करते हैं और उसकी उत्तर की जांच कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है, एक्स अपान थ्री माइनस सेवन इक्वल टू फोर को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले इसका पक्षांतर कर लेंगे, क्योंकि जो जिसके साथ में चर होता है उसे बाईं साइड में रखते हैं, लेफ्ट साइड में, और जो कांस्टेंट होते हैं वो राइट साइड में रखे जाते हैं। तो यहाँ पर एक्स अपॉन थ्री हो जाएगा और इसको पक्षांतर करेंगे इस साइड में, तो इक्वल टू फोर प्लस सेवन। अब एक्स अपॉन थ्री इक्वल टू इलेवन। अब यहाँ पर ये डिवाइड में यानी भाग में है, इसके साथ में डिवीजन में है, तो इस साइड में जाएगा तो ये गुणे में हो जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इस एक्स की गुणा इस वन में, इस थ्री की गुणा इस इलेवन के साथ, तो एक्स और वन की गुणा एक्स ही रहेगा, एक्स इंटू वन इक्वल टू थ्री इंटू इलेवन, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 33, जो कि मुझे फाइंड करना था। अब मुझे उत्तर की जांच करनी है, तो जहाँ पर एक्स है वहाँ पर मुझे 33 लिखना पड़ेगा। समीकरण है एक्स बटे तीन माइनस सात इक्वल टू फोर, तो यहाँ पर एक्स की जगह मुझे 33 लिखना है, 33। तो 33 अपान थ्री माइनस सेवन इक्वल टू फोर। अब यहाँ पर 33 अपान थ्री है, तो हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, थ्री वन जा थ्री, थ्री वन जा थ्री, थ्री वन जा थ्री, तो यहाँ पर 11 बचा, तो 11 माइनस सेवन इक्वल टू फोर। 11 में से 4 को माइनस करेंगे तो 4 इक्वल टू फोर, ये बोथ साइड में इक्वल आ गया है। बोथ साइड में जब इक्वल आता है इसका मतलब है आंसर सही है। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। पार्ट टू है, एक्स अपान थ्री प्लस टू एक्स इक्वल टू फोर्टीन, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे समीकरण को। तो यहाँ पर एक्स अपान थ्री तो इधर ही रहेगा, प्लस ये भी इधर ही रहेगा। अब यहाँ पर हम प्लस टू एक्स अपान वन सपोज कर लेते हैं और इक्वल टू फोर्टीन। अब हम यहाँ पर थ्री और वन का एलसीएम लेंगे तो थ्री आएगा, या हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पर कर सकते हैं ऐसे। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा एक्स, इसकी इसकी मल्टीप्लाई होगी तो प्लस, और दो तीन छः या तीन दूनी छः एक्स, और अपान में इसकी इसकी मल्टीप्लाई तो थ्री इक्वल टू फोर्टीन। ये अब इसको इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा सात एक्स बटे तीन बराबर 14, और यहाँ पर हम वन मान सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा सात एक्स इक्वल टू 14 और गुणे तीन, 14 इंटू थ्री, तो ये आ जाएगा सात एक्स इक्वल टू 42। तो ये आ जाएगा, ये गुणे में है तो इधर आएगा तो बटे में यानी भाग में हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 42 बटे सात, तो सात इक्कन सात, सात छंग 42, तो एक्स इक्वल टू आ गया 6। ये मैंने वैल्यू फाइंड कर ली है यहाँ पर। उत्तर की जांच कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक्स अपान थ्री प्लस टू एक्स इक्वल टू 14, तो जहाँ पर एक्स है मुझे वहाँ पर सिक्स लिखना है, तो सिक्स अपान थ्री एक्स की जगह छः लिखना है, प्लस दो गुणे छः बराबर 14। तो यहाँ पर थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, तो टू प्लस दो छम 12 बराबर 14, 12 और 2 14 बराबर 14 हो जाएगा। ये बोथ साइड में इक्वल है, इसका मतलब ये आंसर करेक्ट है, सही है।
क्वेश्चन थर्ड है एक्स अपान टू प्लस एक्स अपान थ्री इक्वल टू टेन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका एलसीएम के द्वारा इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ इस थ्री की मल्टीप्लाई इसमें, इस टू की मल्टीप्लाई इसमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर बाद में इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, थ्री एक्स तीन की मल्टीप्लाई इसमें थ्री एक्स प्लस टू एक्स अपान टू थ्री जा सिक्स इक्वल टू टेन। अब थ्री और टू फाइव एक्स अपान सिक्स इक्वल टू टेन। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी यहाँ पर वन सपोज कर लेंगे, तो इसकी इधर मल्टीप्लिकेशन इसकी इधर, तो फाइव वन जा फाइव एक्स, यानी फाइव एक्स इक्वल टू सिक्स इंटू टेन, तो फाइव एक्स इक्वल टू सिक्सटी। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स इक्वल टू सिक्सटी अपान फाइव, फाइव वन जा फाइव, फाइव वन जा फाइव, टू वन बचा टेन, फाइव टू जा टेन, यानी बारह पंचे साठ, यानी पाँच से जब साठ को काटेंगे तो एक्स इक्वल टू आ गया ट्वेल्व। ये मुझे फाइंड करना था। अब उत्तर की जांच कैसे करेंगे, एक्स अपान टू प्लस एक्स अपान थ्री इक्वल टू टेन। तो जहाँ पर एक्स है वहाँ पर मुझे ट्वेल्व लिखना है, तो बारह बटे दो प्लस बारह बटे तीन इक्वल टू दस। तो दो इक्कन दो, दो छंग बारह, तीन इक्कन तीन, तीन चक्कू बारह, तो छः प्लस चार, यहाँ क्या बचा छः, यहाँ बचा चार, यहाँ तो वन वन हो गया, तो छः और चार इक्वल टू टेन, टेन इक्वल टू टेन। ये उत्तर की जांच हो गई, बोथ साइड में आंसर इक्वल है, तो ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर फोर है टू का, थ्री एक्स अपान फोर प्लस एक्स अपान सिक्स इक्वल टू ट्वेंटी टू टू। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर फोर है और यहाँ पर सिक्स है, तो हम इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें कर देंगे, बाद में इन दोनों की गुणा करेंगे। तो पहले इसकी गुणा इसमें करेंगे, तो छतियाँ अठारह एक्स प्लस चार एक्स बटे में चार छंग चौबीस, ये आ जाएगा इक्वल टू ट्वेंटी टू। अब इनको इनको प्लस कर लेंगे, अठारह और चार बाईस एक्स बटे चौबीस बराबर बाईस, और बटे में वन सपोज कर लेंगे। अब यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी ट्वेंटी टू में। तो ट्वेंटी टू एक्स इक्वल टू ट्वेंटी फोर इंटू ट्वेंटी टू। तो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इक्वल टू ये गुणे में है बाईस, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो ट्वेंटी फोर इंटू ट्वेंटी टू ऐसे लिख लेंगे, अपान में ये भाग में आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल टू आ जाएगा ट्वेंटी फोर। उत्तर की जांच करेंगे, तो उत्तर की जांच करने के लिए थ्री एक्स अपान फोर, थ्री एक्स अपान फोर प्लस एक्स अपान सिक्स इक्वल टू ट्वेंटी टू। तो जहां पर एक्स है वहां पर मुझे ट्वेंटी फोर लिखना है, थ्री इंटू ट्वेंटी फोर अपान फोर प्लस ट्वेंटी फोर अपान सिक्स इक्वल टू ट्वेंटी टू। तो चार इक्कन चार, चार छंग चौबीस, तो ये बचेगा तीन गुड़े छः प्लस चार एक छः इक्कन छः, छः चौक चौबीस, ये बचेगा चार। तो तिछाक अठारह प्लस चार बाईस, और इधर ये बाईस चल रहा है पहले से बाईस, और ये इधर बाईस, तो ये बोथ साइड में इक्वल आ गया है, यानी जो आंसर है वो राइट है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।